स्पर्स के मैच के बाद लोग काफी माउंट को गाली दे रहे थे, बट चेल्सी के 220 मिलियन पाउंड के मिडफील्ड ने, जिसमें से 105 मिलियन पाउंड के प्लेयर ने पेनल्टी मिस की और 115 मिलियन पाउंड के प्लेयर ने पेनल्टी दी वेस्ट हैम को, हुआ डाउन टू 10 मैन। तो मेरे को बेसिकली वो जो क्रिटिसिज्म था ना यूनाइटेड का, मेरे को वो क्रिटिसिज्म चेल्सी के लिए भी चाहिए भाई, क्योंकि दो मैच के बाद अगर माउंट क्रिटिसाइज हो सकता है तो भाई इनको भी क्रिटिसाइज होना चाहिए। तो क्रिटिसाइज करो भाई, आई एम नॉट प्रमोटिंग टॉक्सिसिटी बट आई एम प्रमोटिंग द सेम बिहेवियर फॉर एवरी अदर टीम, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ। उसके अलावा भाई बारसा ने, टफ मैच था, मतलब टफ मैच, बारसा मेड इट टफ फॉर देमसेल्व्स, बट बारसा ने कैडिस को हरा दिया फाइनली 2-0। द स्कोर लाइन थोड़ी मिसलीडिंग है, अगर जिस भी बारसा फैन ने मैच देखा होगा, तो हमारे जो लेवनडॉस्की भाई है उनका मैं दूसरा नाम नहीं बोलना चाह रहा, तो क्योंकि हमारे वो हो सकता है एड लिमिटेड हो सकते हैं इस पे। तो लेवनडॉस्की भाई काफी, आप कह सकते हो, फ्रस्ट्रेटिंग थे मैच में। उस मैच की उत्कर्ष बात करेगा, मैं थोड़ी बात कर लूंगा चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम वाले मैच की, जिसको मैं देख के, जिसके रिजल्ट से मैं खुश हूँ, क्योंकि भाई यूनाइटेड नीड द हेल्प दे कैन गेट फ्रॉम द राइवल्स राइट नाउ, बिकॉज वी आर नॉट हेल्पिंग आवरसेल्व्स। और थोड़े बहुत ट्रांसफर न्यूज है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बारसा के मैच में मैं ये नहीं बोलूंगा स्कोर लाइन मिसलीडिंग थी, आखिर में दो गोल मार दिए, लेकिन स्कोर ज्यादा भी हो सकता था बारसा की तरफ। कैडिस के बाद भी क्लियर चांसेस थी, पर लेकिन पहले इस मैच में पहले मैं दिक्कतों की बात करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस टीम में डायनेमिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। लामिन यमाल में बॉल आ रही थी, ठीक है, ही इज द ओनली प्लेयर हु कैन ड्रॉप अ शोल्डर एंड बीट अ प्लेयर। पेड्री वगैरह भी बीट कर सकते हैं, बट यू नीड अ डायनेमिक प्लेयर। डेम्बेले गया है, अब हमारे पास प्रायोरिटीज अलग हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमें कैंसिलो लाना है एंड फिलिक्स लाना, उसकी मैं आखिरी में बात करूंगा जो ट्रांसफर है, लेकिन वी नीड अ लिटिल मोर डायनेमिज्म इन द स्क्वाड। लामिन यमाल यमाल के अलावा अगर और किसी पे विंग पे बॉल आ रही थी नहीं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे कुछ ही प्रोड्यूस कर सकता है। एंड लामिन यमाल इज ओनली 16 मैन, ही हैड अ फैंटास्टिक डेब्यू। एक उसकी चांस थी, उसने फिनिश शॉट अच्छी मारी थी, लेडेस्मा का बहुत ही प्यारा सेव था, हु हैड अ फैंटास्टिक गेम, लेकिन ही शुड नॉट बी योर शाइनिंग लाइट इस मैच में। देखो फ्रेंकी डियोंग वाज मैन ऑफ द मैच एंड ही वाज डिजर्विंग टू बी मैन ऑफ द मैच, बट ही वाज इन अ वेरी डिफरेंट रोल टुडे भाई। वो आउट ऑफ प्लेस, वो सेंटर बैक खेल रहा था, प्रॉबली एज अ थर्ड सेंटर बैक, क्योंकि कुंडे भी सेंटर बैक ही था, बाल्डे वॉज अप टॉप, तो वेन इन पोजिशन इट वॉज एसेंशली अ बैक थ्री, उसमें सेंटर बैक था एंड ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड विद द बॉल। लेकिन थोड़ा सा मतलब ये है कि उतना कमांड नहीं ले रहा था, उतनी रिस्क नहीं ले रहा जितना वो जनरली मिडफील्ड में लेता। ही वॉज कीपिंग इट सेफ एंड ओवरऑल ही डिजर्व टू बी द मैन ऑफ द मैच भाई। अचानक से आप इतने टाइम बाद आपसे सेंटर बैक खेलने को कहा जाए, ही डिड दैट रोल सो फैंटास्टिकली वेल। लेकिन दिक्कत की बात करो तो फ्रंट लाइन में लामिन यमाल के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा था जो मुझे लग रहा था कुछ कर सकता है इस मैच में। पेट्रिक को मैं ऐसे विंगर है नहीं, गैबी को अंदर की साइड टेनी खेल लेता है, एंड अगेन इसको अगर विंग पे डालो तो ही इज नॉट अ विंगर अगेन। लेवनडॉस्की आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम भाई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो मैच हो चुके हैं और ऐसे में दो हाई क्वालिटी ऑपोजिशन नहीं थी। जो अब जैसे हाई क्वालिटी मैचेस में आप गायब हो जाते हो, लेमन घोस्ट की हो जाते हो, तो हाई क्वालिटी ऑपोजिशन भी नहीं है भाई। आज के मैच में नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ स्पार्क होती है ना, जो एक क्वालिटी प्लेयर जो अब प्लेयर हुआ है स्कोर 40-50 गोल जो आप एक्सपेक्ट करते हो, कुछ नहीं दिखा लेवनडॉस्की। तो पूरे मैच, चाहे पहला मैच बात कर लो आज डेफे से, आज आप दूसरा मैच बात कर लो, नथिंग फ्रॉम लेवनडॉस्की एट ऑल, ना क्रिएशन में ना शॉट्स में। एक उसका हेडर था जो कीपर पे चली गई थी सीधे, विच वॉज अ गुड हेडर है, इतना आसान नहीं था, पेस नहीं थी बॉल पे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं दिखा लेवनडॉस्की से पूरे मैच में। एंड दो मैच हो चुके हैं, एटलीस्ट यू शुड बी ऑन द स्कोर शीट भाई। अब आप आपकी कोई ऐसे आप ऐसा भी नहीं कोई सिनेरियो है जहां पे लगा कि आप गोल मार सकते हो और अनलकी थे या मिस टाइम कर गया, वो ऐसी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली लेवनडॉस्की को दो मैचेस से, एंड ये दिक्कत वाली बात है। और एक और जो दिक्कत थी आज के मैच में, दैट वॉज अ लैक ऑफ रनर्स, देर वॉज नो रनर्स इन द कमिंग इन टू द बॉक्स। जैसे अब बॉल आपकी बॉक्स के क्रॉस मूव हो रही, तो यू नीड रनर्स इन द बॉक्स जिसको फीड कर सके, जैसे गुंडो ने जो पेट्रो को पास खेला था, एंड गुंडो वॉज गुड, वेरी वेरी गुड टुडे। उसको थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन एक तो देखो कैडिस प्रेस नहीं कर रही थी, तो उसके नंबर थोड़े से मिसलीडिंग हो सकते हैं, मैं नंबर से प्योरली जज नहीं करूंगा, क्योंकि कैडिस आपको प्रेस नहीं कर रही, तो यू हैड टाइम ऑन द बॉल। बट जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, एक वो तो बारसा डीएनए वाला जो प्लेयर है वो गुंडों के अंदर है, एंड विद टाइम ही इज गोना गेट बेटर। लेकिन फिर ये कि वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मिडफील्ड, व्हाट अबाउट द फ्रंट लाइन? लेवनडॉस्की अगर नहीं चला तो गोल्स कहां से आने वाले? फेरन टॉरेस केम ऑन, गॉट अ वेरी गुड गोल, एंड मैं चाहता हूं फेरन टॉरेस की कौन करे, क्योंकि मैं अभी भी उस पर पता नहीं क्यों, आई होप देयर इज अ प्लेयर इन हिम, क्योंकि मैंने सिटी में उसको देखा था, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर भाई। तो उसकी कॉन्फिडेंस की बात है, अगर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, जावी ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि भाई फेरन टॉरेस अगर 10 मिनट खेले या 30 मिनट खेले, वो आके अपना 100% देता है, तो होपफुली इन नेक्स्ट मैच आई एम होपफुल कि भाई वो आएगा स्टार्ट करेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आप यमाल को खिलाओ, एब्डे को खिलाओ, रपीनिया को, अगर किसी को भी खिलाओ इररिस्पेक्टिव, लेकिन आई वांट प्रॉपर विंगर्स ऑन बोथ बोथ साइड भाई, वरना फिर बहुत ही एक ही तरफ से गेम चलता है आपका, दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से बाल्डे जो कर रहा था, उसके अलावा देर वॉज नो क्रिएशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि पेड्री वॉज कटिंग इन, एंड फिर बात है ना, इतनी स्पेस भी नहीं है बीच में भाई, यू नीड विथ फ्रॉम द टीम एज वेल। तो दिक्कतें भी काफी सारी हैं। अभी कुछ लोग मुझसे ट्विटर पर देख रहा था, 0-0 चला था, लोग जावी आउट कर रहे थे, तो जावी आउट इतनी जल्दी नहीं होने वाला है भाई, आपको ये ध्यान में रखना होगा। वी हैव स्पेंट नेट 3.5 मिलियन,
नेट नहीं, वी हैव ओनली स्पेंट 3.5, नेट तो अभी प्लस में चल रहे हैं, लेकिन वी हैव ओनली स्पेंट 3.5 मिलियन भाई। तो अगर आप अपने टीम पर 3.5 मिलियन खर्च करने वाले हो ना, आप अनरियल एक्सपेक्टेशन रखोगे अपने मैनेजर से, तो वो नहीं होने वाला भाई। अब यू नीड टू इंप्रूव योर टीम। रियल मैड्रिड देखो, दे हैव इंप्रूव्ड योर टीम, एवरी टीम इन द प्रेम हैज इंप्रूव्ड देयर टीम, बायर्न ने अपनी टीम इंप्रूव की है, हमारे पास पैसे नहीं इंप्रूव करने की टीम में भाई। तो भले आपने लास्ट सीजन जितनी भी साइनिंग कर लियो, आपको हर सीजन एडिशन करने होते हैं, एंड वो बार्सा अभी के पास वही लग्जरी नहीं है। कैंसिलो वगैरह आ जाए तो अलग की बात है, लेकिन अभी हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, इसलिए थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा। आपको ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जिसमें हम चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन दी एंड इट्स द 3 पॉइंट व्हाट मैटर्स, एंड वी गॉट द 3 पॉइंट्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच। हमें अपना टाइटल डिफेंड करना है भाई। लेवनडॉस्की स्ट्रगल कर रहा है तो यूनाइटेड के पास मार्शियल ऑफर करने को है, तो भाई अगर आप खुली भाव से लेना चाहते हो मार्शियल को ले सकते हो। सऊदी अरबिया से भाई लिंक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता सऊदी अरबिया जाएंगे, बट बारसा यू कैन बाय मार्शियल भाई, उसमें भी बारसा डीएनए है भाई, मैंने देखा था भाई, मैंने डीएनए टेस्ट कराया भाई का। तो आप बारसा डीएनए चाहते हो, लेवनडॉस्की में नहीं है, तो भाई मार्शियल आपको जरूर देगा। बट कमिंग टू द चेल्सी मैच, बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट, चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम भाई, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इंट्रो में तो मजाक किया, उड़ाया चेल्सी का, बट चेल्सी हैड अ गुड फर्स्ट हाफ, ठीक है। दे कंसीडर्ड दैट अर्ली गोल, और वॉर्ड प्राउस ने आते ही प्रूव कर दिया कि भाई उसको एफपीएल में टीम में कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर्ड प्राउस ने अपने पहले कॉर्नर पे भाई असिस्ट दे दी अगर्ड भाई को, गुड हेडर फ्रॉम हिम। एंड वो ये ना कि वेस्ट हैम गॉट दैट गोल उस तरीके से जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें वो गोल मिलेगा, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग चेल्सी टू हैव मोर ऑफ द बॉल। चेल्सी डिड हैव मोर ऑफ द बॉल, चेल्सी वॉज मोर, आप कह सकते हो, फ्लूइड इन पोजेशन, ये एक्सपेक्टेड था। वेस्ट हैम चाहे होम पे खेल रही थी, बट वेस्ट हैम नो दैट चेल्सी के पास जो आप कह सकते हो प्लेयर्स हैं, स्पेशली द मिडफील्ड, इट इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग पोजेशन। अब देखो दिक्कत होगी चेल्सी के साथ कि चुकोमेका लिम्प्ड ऑफ, तो चुकोमेका की इंजरी खराब लग रही थी, हाउ ही वेंट ऑफ द पिच, एंड चुकोमेका काफी अच्छा था भाई फर्स्ट हाफ में, आई वॉज रियली इम्प्रेस विद हिम। एंड मतलब होता है ना कि फिजिकल प्रेजेंस है उसमें, ही कैन कैरी द बॉल एज वेल, एंड ऑब्वियसली ही स्कोर्ड द गोल। तो एनजो टेक्स ऑल द प्लॉडिट्स फर्स्ट, पिछले मैच में भी उसने सारी, आप कह सकते हो लोग बिल्कुल पागल हो रहे थे एनजो के पीछे, बट चुकोमेका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चुकोमेका विल बी पार्ट ऑफ द मिडफील्ड सेटअप। सब सोच रहे थे कि भाई डेवलपमेंट फेज में ही है ये बंदा, अभी तो ऐसे ही रहेगा, उसको मतलब सीरियसली मत लो इतना अभी, बट आई थिंक यू शुड टेक हिम सीरियसली, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजर हो गया। बाकी आप बात करो व्हाट वेस्ट हैम डिड राइट, आई थिंक मैं चेल्सी की इतनी बात कर सकता हूँ, आई कैन ओनली टॉक सो मच अबाउट चेल्सी, बट चेल्सी अल्टीमेटली लॉस 3-1 भाई। एंड आई थिंक जो दिक्कत थी चेल्सी के साथ विच वेस्ट हैम एक्सप्लॉइटेड वाज फिजिकैलिटी। आप डिफेंस में देखो चेल्सी के, मेलो गुस्टो कैन फिल इन फॉर रीस जेम्स, बट रीस जेम्स हैड वन थिंग विच मेलो गुस्टो डज नॉट, इज दैट फिजिकैलिटी। फिजिकली ज्यादा आउट मसल नहीं होता रीस जेम्स, मेलो गुस्टो ऑब्वियसली इतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना मतलब रीस जेम्स है, बिल्ट भी उसकी थोड़ी आप उतनी रोबस्ट नहीं है, तो वो एक फैक्टर इन करता है, एंड दैट वाज एक्सप्लॉइटेड भाई। आप देखो कितनी बार मेलो गुस्टो की साइड पे लॉन्ग बॉल्स वर प्लेड, एंटोनियो वाज ऑलवेज देयर टू पेस्टर हिम भाई, एंटोनियो बार बार अपनी फिजिकल प्रेजेंस से भाई तंग कर रहा था उसको, सेंटर बैक्स को नहीं कोप कर पा रहे थे, एनजो भी नहीं कोप कर पा रहा था। एंड वन थिंग विच इज गुड अबाउट एंटोनियो एंड जो बाकी स्ट्राइकर्स वेस्ट हैम ने साइन किए हैं टू एक्चुअली रिप्लेस एंटोनियो इन द लॉन्ग रन, इज दैट एंटोनियो अपनी बॉडी भाई गजब यूज करता है, ही इज नॉट वेरी टॉल, बट जो उसकी फिजिकलिटी है ना भाई वो गजब से यूज करता है, एंड ही बुलीज यू, ही बुलीज यू, चाहे कितने भी लंबे डिफेंडर हो, चाहे कैसे भी डिफेंडर हो, एंड ही कैन, एंड दैट्स हाउ ही स्कोर्ड दैट सेकंड गोल भाई। गजब का फिनिश था वो, मतलब क्या ही फिनिश था, मुझे लग रहा था भाई इस एंगल से क्या शॉट लेगा, कोई उसे सपोर्ट में नहीं आ रहा, बट वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से शॉट लिया, एंड रॉबर्ट सैंचेस कुड नॉट सेव इट। कर सकता था नहीं कर सकता था, दैट इज अनदर डिबेट, बट मतलब बहुत अच्छे से शॉट दिया था। आई थिंक आई वुड से द प्लेसमेंट वाज सो ग्रेट फॉर दैट शॉट, सिमिलर जैसे वो एल्वारेस का कल गोल नहीं था अगेंस्ट न्यूकासल, आप कह सकते हो कि प्लेसमेंट इतना अच्छा था, कीपर गॉट अ हैंड ऑन इट बट कुडंट सेव इट, आई वुड से द सेम शॉट, मतलब एंटोनियो का शॉट भी बहुत ही सिमिलर था। तो चेल्सी के साथ दिक्कत इस समय ये है, देखो बात हमने की थी दक्ष के चैनल पे प्रीव्यू जब हुआ था लाइव, तो मैंने ये कहा था कि चेल्सी का अटैक इज अटैक आप इतने सर्टन नहीं हो, बिकॉज कौन गोल मारेगा एनकुंकू जब से इंजर हुआ है। मिडफील्ड में विद टाइम व्हेन काइसीडो लाविया एंड एनजो बिल्ड अ पार्टनरशिप, जो एलएफसी वाले इनके पार्टनरशिप है, लिवरपूल की पूरी मजाक उड़ाना है, सीरियसली भी मजाक उड़ा रहे हैं वो ऑन द पिच भी, तो वो जो पार्टनरशिप है उनकी दैट विल डेवलप ओवर टाइम स्पेशली लाविया के साथ। डिफेंस में फिजिकलिटी की मुझे कमी दिखी विदाउट जेम्स, यस मेलो गुस्टो कैन फुल इन बट एक फिजिकलिटी की कमी है। डिसासी भी थोड़ा अनसर्टेन सा लगा कुछ मोमेंट्स पे, थियागो सिल्वा देखो थियागो सिल्वा है बट ही डज नॉट, इज नॉट द मोस्ट फिजिकल, एंड एंटोनियो कैन बुली हिम। थियागो सिल्वा के साथ ही ऑलवेज रिलाइज ऑन हिज गेम प्रेजेंस हिज गेम रीडिंग, तो वो एक ऑब्वियस दिक्कत थी, एंड दैट्स व्हाई चेल्सी लॉस्ट। आई थिंक वेस्ट हैम बहुत स्मार्ट थी अपने गेम प्लान के साथ, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, उनको पता था कि उनकी क्या दिक्कत लिमिटेशंस है, उन्होंने उस लिमिटेशंस को आगे नहीं आने दिया, उन्होंने अपनी ऐसे आप कह सकते हो उनकी जो प्लस पॉइंट्स है उनको हाईलाइट किया, दैट्स व्हाई दे वॉन द मैच। अब आते हैं भाई ट्रांसफर्स पे, ट्रांसफर्स मूव ऑन करते हैं, देन आई विल स्टार्ट विद यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड के बहुत ही आप कह सकते हो ना ऐसे मतलब कुछ आ रहे हैं अच्छे ट्रांसफर रूमर्स, कुछ आ रहे हैं भाई अनशन ट्रांसफर रूमर्स। अनशन से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज वो ज्यादा टाइम देने लायक है नहीं। ली क्विप फ्रेंच न्यूज़पेपर जो हमारे बैलेंडोर भी देते हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई
वैरायटी इज अपेरेंटली, मतलब यूनाइटेड इज अपेरेंटली एक्सप्लोरिंग अ मूव फॉर वैरायटी, जिसके लिए पीएसजी वाज आस्किंग सो मच मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जो हाई वेज डिमांड्स एक्सपेक्ट करेगा, उसको यूनाइटेड आउट ऑफ द ब्लू कहीं से कहीं ना कहीं से साइन कर लेगी, प्रॉबेबली टू प्ले अलोंगसाइड कैसेमिरो। तो भाई मैं इस रूमर को, मैं आपके इस लिंक को मैं तुरंत डिसमिस कर दूंगा। मेरे को तो नहीं लगता वैरायटी यूनाइटेड आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक इट्स द राइट एज प्रोफाइल एज वेल। भाई वैरायटी इज अ ग्रेट प्लेयर, नॉट द राइट एज प्रोफाइल, गेट्स इंजर्ड अ लॉट। चैंपियंस लीग कोई भी फॉलो करता है पीएसजी को, तो भाई क्रूशियल मैचेस में बहुत बार वैरायटी नहीं होता था। तो अगर आप किसी पोजीशन ऑफ नीड को फुलफिल कर रहे हो, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ प्लेयर जो इंजर ज्यादा होता है। अब आता हूं सीरियस रूमर पे, जो सीरियस बात है, सीरियस रूमर इज दैट ग्रीन हेंडरसन, जिसका लग रहा था कि भाई डील नहीं हो रही, कोलैप्स हो गई फॉरेस्ट के साथ, ही माइट बी गोइंग टू क्रिस्टल पैलेस, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस विंसेंटे ग्वाइटा जो उनका कीपर है उसको रिप्लेस करना चाह रही है विद डीन हेंडरसन। तो अगर डीन हेंडरसन चला जाता है भाई 20-22 मिलियन में कम से कम, आई वुड बी रियली हैप्पी, बिकॉज यूनाइटेड नीड टू गेट अमराबत इन। हमने ये चीज देख ली है कि भाई कैसेमिरो अकेले नहीं संभाल सकता मिडफील्ड, चाहे आप बात करो कि कैसेमिरो हल्का सा ऑफ द पेस है, बट ही कैनॉट हैंडल द मिडफील्ड ऑन हिज ओन। ही नीड्स अ प्लेयर जो हेल्प करे उसको, जैसे फ्रेड करता था बट इन अ बेटर वे ऑन द बॉल। That is what Amrabat will provide to you, and I think we need to sign him. Smart होके sign करना पड़ेगा, because इस match के बाद Forest का match we can afford not to have him, but I don't think after the Forest match you can not afford to have him, because you have Brighton, you have Arsenal, then you have Brighton, and दोनों tough teams हो हैं, भाई दोनों tough teams हैं, दोनों teams are playing well. अभी Arsenal खेलेगी, अभी आज उनका match है, but Brighton का देख ही लिया भाई, 8 goal 2 matches में मारे हैं, they will create a lot of chances and they will हमारे midfield की धज्जियाँ उड़ा देंगे अगर हमारे पास Amrabat जैसा player नहीं हुआ, या आप कह सकते हो proper balance नहीं रहा midfield, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दो मैच के बाद कोई भी साइनिंग फ्लॉप नहीं होती, दो मैच के बाद कोई भी साइनिंग सक्सेस नहीं होती, भाई ये चीज ध्यान रखो, डोंट गेट इम्पेशेंट। ट्विटर पे अगर आप जा रहे हो, यूट्यूब पे कहीं कुछ 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 जगह जा रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि भाई लोग पगला रहे हैं, तो मतलब टेनहैक को क्रिटिसाइज करो बट पगला मत जाओ। मैं ये कह रहा हूँ टेनहैक को, नाउ दिस सीजन यू हैव टू क्रिटिसाइज टेनहैक, बिकॉज इसके पास एक सीजन इन द बैंक है, बट डोंट गो क्रेजी, मतलब थोड़ा पेशेंट रखो, पेशेंस रखो, लेट द ट्रांसफर विंडो एंड, होपफुली वी बीट फॉरेस्ट, वी पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल, आई होप वी बीट आर्सेनल, अभी इस समय तो नहीं लग रहा हरा पाएंगे, बट अगर हरा दिया तो बहुत जल्दी नैरेटिव चेंज होता है, तो दो हफ्ते बाद नैरेटिव को मतलब पगलाओ मत। बस उत्कर्ष पे आने से पहले बस एक और न्यूज थी कि सेंटर बैक देखो इस समर नहीं आएगी, मैं बस आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज पवार्ड इज गोइंग टू इंटर, तो सेंटर बैक नहीं आने वाली है इस समर, तो वही लाइकली साइनिंग लग रही थी। टोडिबो इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, एंड विद मैग्वायर नॉट गोइंग, मैकटोमिने भी लग रहा है नहीं जाएगा, खाली हेंडरसन जाएगा, अमराबत ही आ सकता है, आई डोंट थिंक अ सेंटर बैक विल कम इन दिस समर। एक और प्लेयर सऊदी का शिकार हो चुका है भाई, दैट इज लपोर्ट, एंड इट्स वेरी शॉकिंग कि भाई खाली 20 मिलियन में अ प्लेयर लाइक लपोर्ट इज गोइंग, हु इज ओनली 29 राइट नाउ, ट्रेबल विनर, एंड ऑब्वियसली सिटी में फैंसी नहीं कर रहे थे उसको, इंजरीज एवरीथिंग हैड अ मेजर रोल टू प्ले, लेकिन इफ ही इज फिट ही इज अ फैंटास्टिक सेंटर बैक भाई, किसी भी टीम में वो वॉक इन कर सकता है यूरोप की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्रोबेबली आई वुड से यस, और स्टेटमेंट नहीं होगी, किसी भी टीम में वो आके मतलब इफ ही इज ऑन फॉर्म ही कैन प्ले इन एनी टीम इन यूरोप राइट नाउ, तो वो ऐसा प्लेयर 29 की उम्र में सऊदी जा रहा है, मैं भी सरप्राइज इस चीज को लेके हूँ कि कोई और क्लब इंटरेस्टेड क्यों नहीं था उसमें, क्योंकि भाई एक तो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक वैसे ही कम है, ठीक है, एंड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हु आर गुड ऑन द बॉल, हु कैन प्ले आउट फ्रॉम द बैक, एंड हु हैज प्लेड इन अ सिस्टम पेप गार्डियोला से मैनेजर के अंदर खेल के आ रहा है, वो उसके लिए आपको सूटर्स नहीं मिलना, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, और 20 मिलियन में जा रहे हो सऊदी, और 20 मिलियन उसकी सैलरी भी होगी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक वो भी रीजन हो सकता है सऊदी जाने का, लेकिन इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग भाई, प्लेयर लाइक लपोर्ट सऊदी जा रहा है, यूरोप का कोई और क्लब उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अब आते हैं बारसा की आउटगोइंग्स पे, तो डेस्ट इज गोइंग टू पीएसवी, लोन है और 10 मिलियन का बाई ऑप्शन है जो कि मैंडेटरी नहीं है, और 50% का सेल ऑन क्लॉज भी है हमारे पास, तो इस सीजन लोन पे है, वहाँ अच्छा खेलता है पीएसवी में, तो वो 10 मिलियन में साइन करेंगे, एंड आगे अगर वो डेस्ट को कभी बेचते हैं तो उसके 50% हमको मिलेंगे, और उसके अलावा ऐसा कोई आउटगोइंग्स होने नहीं वाली है, लॉन्गले पे ऐसा कोई अपडेट नहीं है भाई, एंड लॉन्गले आज बैठे हुए थे मार्कस अलोंसो के साथ मैच देख रहे थे फुल तैयारी में, और एक और कोई बंदा बीच में बैठा था, वो इंजर्ड प्रॉब्ली अरोहो, मैं श्योर नहीं हूँ, उन दोनों बीच में कोई एक भी बैठा था, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन था, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना भाई। अब इनकमिंग की बात करो तो कैंसिलो की डील, देखो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम राइट नाउ, क्योंकि फेब्रिजो ने भी कह दिया, बार्सिलोना बेस्ड काफी सारे रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लोन डील है, कोई बाय ऑप्शन नहीं होगा, एंड कैंसेलो विल कम टू बार्सिलोना, क्योंकि बीच में न्यूज भी आ रही थी कि दैट ही माइट गो टू आर्सेनल, टिम्बर इंजर्ड हो गया था तो आर्सेनल भी उसको कह सकते ऑप्शन देख रही थी, बट कैंसेलो ओनली वॉन्ट टू मूव टू बार्सिलोना राइट नाउ, तो ही इज कमिंग टू बार्सा। उसके अलावा फिलिक्स पे आज हमारे राफेल यूस्टाचो भाई वाइस प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि अच्छा लगता है मुझे सुन के कि भाई फिलिक्स जैसे प्लेयर बार्सा में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ब्लाह ब्लाह, वो मुद्दे की बात नहीं, बट व्हाट जो उस मुद्दे की बात ये थी, ही सेड कि इट्स अप टू डेको एंड जावी राइट नाउ,
दैट कैंसेलो और फिलिक्स विल कम इन और दे विल नॉट कम इन. फिलिक्स केस में यार देखो दिक्कत है कि विल मूव ऑन अ लोन डील, कहीं और से इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, तो एटलेटिको के पास कुछ बहुत हार्ड ग्राउंड है नहीं नेगोशिएट करने के लिए. तो अगर हम इस डील को थोड़ा खींचते ना विंडो के एंड तक, तो मुझे लगता है जो एटलेटिको अभी लोन फीस मांग रही है विच इज अराउंड 10-12 अलग अलग सोर्सेज, कहीं से 15 भी आ रहा है कहीं 8 भी आ रहा है, तो मैं 10 से 15 के रेफरेंस मानता हूँ, तो उसको हम 5-6 पे ले आ सकते हैं. एंड अगर फिलिक्स 5-6 में मिला तो आई वुड लाइक टू ऐड फिलिक्स इनटू माय टीम, क्योंकि भाई एक तो डायनेमिक प्लेयर है. सो किसी सीधी बात है, मैं अगर डायनेमिक में ऐड करता थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड करता है, एंड इफ ही इज ऑन फॉर्म ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल. तो अगर लेवेंडोस्की को इंजर्ड हो जाता है रेस्ट देना है या लेवेंडोस्की इज आउट ऑफ फॉर्म, तो फिर आप वहाँ पे फिलिक्स को भी खिला सकते हैं. फिलिक्स इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर एज कम्पेयर टू लेवेंडोस्की, तो ही गिव्स अ डिफरेंट ऑप्शन एज वेल, एंड डेफिनेटली ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भाई. तो अगर फिलिक्स को 5-6 मिलियन, अगर हमारे 5 मिलियन के बेसिकली फॉर फाइनेंसिस हम उसको अफोर्ड कर पाते हैं, तो अभी जो ऑप्शन है आई वुड लाइक टू ब्रिंग फिलिक्स इनटू द क्लब. और फिलिक्स पे एक मतलब बीच में भी न्यूज आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने की बात हो रही, तो एथलेटिको ने कह दिया तुम्हारे 350 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, तुम दे दो उतने हमें और हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे. तो वो होने वाला नहीं है इन एनी सिनेरियो. और जाते जाते हमारे वर्ल्ड कप विनर मॉन्टियल, जिन्होंने फाइनल पेनल्टी मारी थी, अब वो सीधे सेविया से यूरोपा लीग जीत के चैंपियंस लीग छोड़ते हुए सीधे आ रहे हैं प्रीमियर लीग में, एंड दैट टू नॉटिंघम फॉरेस्ट. तो लास्ट सीजन लोधी आए थे चैंपियंस लीग छोड़ के, इस सीजन मॉन्टियल आ रहे हैं. स्टिल नॉट श्योर कि ऑब्वियसली मनी इज अ बिग फैक्टर, लेकिन क्यों आप चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के भाई आप आके यहाँ पे रेलिगेशन में खेलना चाहोगे रिस्पेक्टिव ऑफ द लीग लीग भाई. चैंपियंस लीग चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड यू आर प्लेइंग इन ला लीगा, मनी इज डेफिनेटली अ फैक्टर, एंड प्रीमियर लीग एक पूल है भाई, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो गिव इट अ लाइक, नहीं देख रहे हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना. एंड अगर आपने हमें ट्विटर फॉलो नहीं किया, क्योंकि वी आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर वॉइस, तो नीचे लिंक होगी, ट्विटर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टेक केयर, विल कैच यू टुमारो.